लेट आओ एक घंटा देख ऐसे तो भाई तमन्ना मारना चाहोगे राम राम जी सारा ना ठीक है सारे उम्मीद सारे ठीक है महिंदा जी। मैं पहुंच चुकी हूँ अपना जिम में। अब वर्कआउट के लिए नहीं, वर्कआउट तो मैं सुबह सुबह कर गई थी, अभी हो रहा है अपना शूट। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं जैसे अपना जो जिम का सेटअप होता है ना, जो अपनी रील्स देखते हैं, तो कि आप जिम में कैसे शूट करते हो। तो जी वर्कआउट टाइमिंग मेरा अलग है और शूट का अपना टाइमिंग और सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। ये लाइट इधर अभी सेट हो रही है, यहाँ पे अपना दूसरा कैमरा और ये एक है जिससे मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ। तो इवनिंग में या दिन में जब भी टाइम लगता है अपने इस वाले जिम में आके मैं अपना शूट कराती हूँ। अभी चल रहा था, मुझे याद आया तो मैंने व्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया है, तो अब जाके व्लॉग स्टार्ट किया। टाइम हो गया अभी 3:08, तो देखते हैं एक ये बात आज दूसरी तीसरी बार मुझे कह रहा है, आज मैं थोड़ा सा लेट होगी, 10-15 मिनट ही लेट थी शायद। नहीं आधा घंटा नहीं थी चलो ठीक है मान पर ये तो बंद हो गया। अगली बार 10-15 मिनट का आपका भी चल जाएगा। ना ना ये कोई बात नहीं, वैसा तो हमेशा ऐसा जब मैं लेट होती हूँ ना तो उस दिन टाइम से पहुंचते हैं, वरना तो हमेशा मैं ही वेट करती हूँ। मेरे पास है? और क्या लड़कियों का हमेशा ये होता है, शूट करने जाता उससे पहले क्या होता है, कंटेंट नहीं है सही में ना भगवान मन मारना चाहो ना सेठ जी मर के तो मेरा शूट कौन करेगा ये देखो अभी शूट की पड़ी है तो अब करते हैं स्टार्ट। लाइट नंबर 1, 2, 3 इधर भी है कोई 4 क्योंकि आज जो अभी इस वाली मशीन पे हम शूट कर रहे हैं थोड़ा अगेंस्ट लाइट है और लाइट भी आज वैसे भी कम नहीं है। खैर इस वाले शूट के तो कम ही चाहिए जो इस वाली मशीन पे होगा, तो करके इधर 3 लाइट्स हो गए हैं। सेठ जी रेडी चलो शूट हो गया लगभग और लाइट्स अभी समेट के हम जाएंगे नीचे। सेठ जी समेट रहे हैं अपना कैमरा तो बंद कर दो ना, इतनी बैटरी बची रहेगी इसकी। तो इसके बाद अभी चलते हैं नीचे, मैंने जूम इन कर रखा है पूरा, तो अभी चलते हैं नीचे। अभी तो मौसम तो बादल तो ऐसे हो गए जैसे बारिश रुकेगी, अभी धूप आएगी बढ़िया, धूप आएगी अभी है ना, आ चुकी है हाँ कहीं कहीं है लेकिन बादल भी हैं। फिर अब नीचे और यहाँ इतनी बढ़िया वाली कूलिंग हो रखी है, हमारा मन नहीं है कि हम बाहर जाएं, हैं ऐसी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में मरे पर जाना पड़ेगा। और हमें ऐसा है कि हम यहाँ बैठे रहे, हम बाहर शूट ना करें, 4 बजने वाले हैं लेकिन चलना पड़ेगा। छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी थोड़ी करनी आपकी इतने मुश्किल से तो आता है, आज कोई छुट्टी नहीं होगी इतने बिजी रहते हैं, फिर एक दिन मेरे को मिलता पता नहीं कितने कितने दिनों में, और वो भी आज मिल गया, वरना आज भी एक और कहीं फंक्शन के लिए निकल गए थे, पर जैसे तैसे जो हमें टाइम मिल गया है तो आज उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाली हूँ मैं, अपना सारा कंटेंट निकाल के बेचेंगे सुन लिया अरे सच में धूप आ गया अब तो अभी जो है सारा सामान लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे सारा शूट हो गया पूरा और वैसे भी 4:30 बजने के आसपास टाइम आ गया, 4:10 हो चुके, 15-20 मिनट में जो है मेंबर आने लग जाएंगे। यहाँ पे शूट करेंगे अपना, धूप भी एकदम से चली गई है, बादल आ गए पर बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होएगी तो वहीं पे काम रुक जाएगा, बादल देखो पूरे फुल हो गए यहाँ पे। और जल्दी जल्दी निकालते हैं अपना कंटेंट फिर चलते हैं। सेठ जी एज यूजुअल बिजी, ठीक है थैंक यू चलो आज के लिए इतना बहुत है तो बढ़िया वर्कआउट अपना करा दिया आज वाह का इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा। अभी यहाँ पे यही है बस, निकलते हैं दूसरे आउटफिट में करना है शूट तो चेंज करके अब चलते हैं बाहर। 4:30 पूरे हो गए हैं, अब मेंबर्स आने लग जाएंगे तो हम भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ऐसे में शूट करने में, और उनको भी जिनको वर्कआउट करना होगा वरना प्रॉब्लम होएगा, तो चेंज करके चलें बाहर डन। तो इतना वर्कआउट किया है फुलन पसीने आ गए, टी शर्ट भी पूरी गिल्ली हो गई है, सुबह भी वर्कआउट शाम को भी वर्कआउट। मौसम एकदम से चेंज हो गया है, कहाँ तो धूप थी और एकदम से डार्क मतलब बारिश आने का ही हो गया है। टाइम हो गया 4:35 का और ये मेरी दूसरी आउटफिट है, चेंज कर लिया है मैंने, तो अभी इसमें जो है अपना जो शूट होएगा होएगा पर जिम में नहीं, अब चलते हैं बाहर। तो अभी यही है चलते हैं बाहर, बारिश नहीं आती है तो ये वाले आउटफिट भी जो अपनी कवर हो जाएगी, अदरवाइज तो देखते हैं जो भी जैसे भी रहेगा। वेदर अच्छा हो गया है, बारिश नहीं है तो इससे बढ़िया और क्या, लाइट ऑन कर दिए हैं, शायद मेंबर्स आएंगे अभी तो हम चलते हैं।
बहुत बढ़िया लोकेशन है जहाँ जाएंगे, बढ़िया मस्त ग्रीनरी और बादल आज बढ़िया सही हो रहेगा, बारिश ना हो ना तो आधे एक घंटे तक में अपना सारा काम खत्म हो जाएगा। सेठ जी अपनी गाड़ी में आ रहे, मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट वो वहीं से अपने घर के लिए निकल जाएंगे, थोड़ा जल्दी है, फिर मैं भी सीधा निकल जाऊँगा। भूख भी लग गई है क्योंकि आए हुए 2 घंटे के आसपास हो गए हैं और लंच किया था और अभी टाइम 5 बज गए, पर मैं आज जल्दबाजी में मैं प्रोटीन भी नहीं उठा के लेके आई अपना, कोई बात नहीं ठीक है, इतने दिनों बाद आज कुछ नया कंटेंट निकल रहा है तो भूख भी एडजस्ट हो जाएगी, बाद में खा पी लूँगी, घर जाके कुछ खाऊँ पीऊँगी। पानी भी नहीं उठा के लाई आज तो मैं जल्दी जल्दी, वरना मैं पानी की बोतल और प्रोटीन तो साथ रखती हूँ हमेशा, पर आज जल्दबाजी में दोनों चीज़ें घर पर रहेगी, पर कोई नहीं। और अभी जो है बस पहुँच गए हैं 2 मिनट भर की दूरी पर अपनी लोकेशन पर जहाँ पर शूट करना है, क्योंकि जहाँ पर मैं शूट करती हूँ ना वहाँ पर क्या है कि भीड़ भीड़ का कोई सीन नहीं होता, कोई क्राउड नहीं होता, तो स्पेशल हम इस लोकेशन पर जाके शूट करते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। गाड़ी की चाबी मैंने वहां से यहां कहीं फेंकी है, सेठ जी की गाड़ी की चाबी कैसे ऐसे ये फेंक ऐसे कुछ और ये गायब हो गई, और यहां फेंकने के बाद से ही गाड़ी की चाबी जो है गायब हो गई है। अब आप ही ढूंढ दो, मैं 10 मिनट हो गए ढूंढते ढूंढते, क्योंकि पूरी ग्रीनरी है ना सारी, इतनी बड़ी बड़ी घास आई हुई है तो कहीं समझ ही नहीं आ रहा कि वो है तो है कहाँ, मिल के ढूंढो, और टीम वर्क होता है तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगी। मिल गई फाइनली है, वरना तो ढूंढते रहते। धूप एकदम से आ गई है, मतलब भगवान जी को पता चल गया था हमारा शूट चल रहा है तो करके धूप भी दे दी है, बस आधे पौने घंटे भर में और निकल गया पसीने। मतलब मेहनत बहुत होती है यार कंटेंट के पीछे, वो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। तो बस अभी करते हैं शॉर्ट, नहीं तक है जी। टाइम हो गया है शाम के 7:26 और अब जो है भूख हद लग गई है, हद भूख और प्यास भी, क्योंकि पानी नहीं था ना आज, पर अब घर जाके बढ़िया अपनी मील लेऊंगी, तभी जा रही हूँ मैं घर। डिहाइड्रेशन भी ऐसे हो रखी कि गला भी सूख जा रहा, इतना पानी पी लिया, आने के बाद मैंने 1.25 लीटर पानी पी लिया आगे, अभी लगी है भूख तो अपनी बनाती हूँ मैं मील, डिनर तैयार करती हूँ अभी अपना, सोच रही हूँ ऑमलेट ही बना लूँ। मस्त अपना ऑमलेट रेडी हो गया है, 5 एग व्हाइट्स लिए, 1 होल एग था मतलब येलो पार्ट भी एक का, 2 ब्राउन ब्रेड लगा के, और भूख इतनी लगी है अब तो इंतज़ार नहीं रहा है सौरा कि इसके ऊपर ही रखा है जिट इज़ को उठा के खा लूँ। प्लेट में रखते हैं और खाते हैं बस अभी। खाना खा के भी एक तसल्ली मिलती है, डिनर हो गया है अभी बस सोने की तैयारी है, लगभग 9:30 बजने वाले हैं। 2 ही रील एडिट करी है मैंने, जिसमें से मेरे को प्रमोशन की जो है वो डालनी थी, मेन प्रमोशन का ही ज़्यादा अर्जेंट था पोस्ट करने का, तो वो हो गया है। तो इस व्लॉग के लिए रखती हूँ इतना ही, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, बाय।